मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ थाने के सामने स्थित हनुमान मंदिर में संत प्रेमदास की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके संबंध में अजय सिंह ने बताया कि प्रेमदास महाराज के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और मंदिर में नए महंत की नियुक्ति की गई है। श्री रामदास महाराज 12 साल की अवस्था में अपना घर छोड़कर अयोध्या धाम चले गए, फिर वहां से वृंदावन चले गए। वहां पर भागवत की कथा और संस्कृति की पढ़ाई, वेद की पढ़ाई पूरी की। महाराज जी के अचानक दिवंगत होने के बाद विशेष आग्रह पर आने के लिए हामी भरे हैं, जो कि इस मंदिर के नए महंत के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। उनके ही मार्गदर्शन में इस मंदिर की व्यवस्था चलेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अजय सिंह ने कहा, आज पूज्य साकेतवासी महंत श्री प्रेमदास जी महाराज जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज जी के द्वारा और अयोध्या के अन्य संतों द्वारा, जगत गुरुओं के द्वारा इस स्थान पर, इस स्थान का के महन जी जो प्रेमदास जी का साकेतवास एक साल पूर्व हो गया था, स्थान रिक्त चल रहा था, आज यहाँ के लिए नया महंत और पुजारी की नियुक्ति की गई है और आपके संचालन में अब इस मंदिर की पूरी व्यवस्था चलेगी और उनके ही मार्गदर्शन में हम सब लोग कार्य करेंगे। श्री रामदास जी महाराज बाल्यकाली संत हैं, ये 12 साल की अवस्था में अपना परिवार छोड़ करके ये अयोध्या धाम चले गए। अयोध्या धाम में कुछ दिन रहने के बाद फिर वृंदावन धाम में जा करके भागवत का कथा और संस्कृत की पढ़ाई और वेद की पढ़ाई इन्होंने किया है। महाराज जी के अचानक दिवंगत होने के बाद मेरे विशेष आग्रह पर ये इस स्थान पर आने की हामी भरे और इसमें पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज जी का आशीर्वाद हुआ, तब आज इस स्थान पर एक नए महंत के रूप में वो सुशोभित हो रहे हैं। आज यहाँ के गोरक्षपीठाधीश्वर, अन्य संतगण के साथ साथ स्थानीय लोगों के द्वारा भी उनका चादर पोशी और उनका तिलक किया जाएगा और उनके ही मार्गदर्शन में इस मंदिर की पूरी व्यवस्था चलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।